आज मैं आप लोगों को लाइव क्रिप्टो कैसे खरीदते हैं और इसको आप लोगों को गाइड करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। सो बने रहिए और हम लोग कंटिन्यू करते हैं बाय करने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और मेरी स्क्रीन पे ये लगा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भूपिंदर जी? सर ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। आजादी का सच्चा अर्थ है फाइनेंशियल फ्रीडम। यस, ये मुझे बार बार याद दिलाता रहता है कि बेटा तुमको, सॉरी वन सेकंड सर, ये मैंने अपनी स्क्रीन पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारी देखो जिंदगी कहाँ पे है। आजादी का सच में सर मैं फील करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि जब तक हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है, हम फ्री नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मैंने इसको वॉलपेपर पे लगा रखा है कि जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते। अब फाइनेंशियली फ्री का सेंस होता है कि पैसे इतने हो कि अरे यार क्यों ये सिस्टम, ओके तो चलते हैं हम लोग एक्सचेंज की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आप सब अगर सीरियस हैं क्रॉन थंडर को लेकर के, अगर सीरियस हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, इवन मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए क्योंकि हर काम का एक सही समय होता है और क्रिप्टो में एंटर करने का, क्रिप्टो से पैसा बनाने का यही समय है, सही समय है। लेकिन सीखना पड़ेगा कि चीजें इंप्लीमेंट होती कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे डेली जूम सुनने से कुछ नहीं होने वाला, डेली जूम सुनने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हम सुनी हुई सीखी हुई चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हमें ट्रॉन थंडर ज्वाइन करना है तो हमें ट्रॉन खरीदना पड़ेगा या फिर यूएसडीटी में जब ये सिस्टम आ जाएगा तो यूएसडीटी बाय करना पड़ेगा। अब इसके लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसके लिए मोस्टली लोग निर्भर रहते हैं अपने अपने अपलाइन के ऊपर। अब वो बेचारा अपलाइन भी क्या करे, क्रिप्टो करेंसी खरीदे, आपको सेंड करे, फिर कई लोग होता है कि नाराज हो जाते हैं, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि कई लोग नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत होती है आपका बिजनेस बड़ा करने में, आपको समस्या आती है, आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं तो ये भी बुरी बात है। आप आए हैं इस सिस्टम में इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए, और किसी एक बंदे के ऊपर अगर आप निर्भर हैं तो वो भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा शुभ संकेत नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और बहुत ही आसान सी चीज है, प्ले स्टोर में आप, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज वर्किंग में है जिसमें से आप सन क्रिप्टो को ले सकते हैं और उसको लेने के लिए आप यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे सन क्रिप्टो। यहाँ ऊपर देखिए पहली ही लाइन में ये आ चुका है, इसको बाय सेल पे क्लिक कर, ये इसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, ये सर्च होके आ जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने की बटन आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल कर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में केवाईसी वगैरह आपको क्रिएट करना होगा और केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेंगे मैक्सिमम आधे घंटे से लेकर के 24 घंटे ले लीजिए, इतना टाइम लगता है केवाईसी वेरीफाई होने में। तो इससे क्या होगा कि आप अपने भी अपने लिए क्रिप्टो बाई कर पाएंगे और अपनी टीम को आगे कभी इमरजेंसी में, जैसे मैं करता रहता हूँ, आपको सपोर्ट करने में ये बड़ा काम आएगा। अब आपने केवाईसी कैसे करना है, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, आप लोग जा सकते हैं रॉकेट इंडिया पे वीडियो पड़ा है, वहां से देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या आती है कि वहां पे मैंने केवल केवाईसी करना बताया है, क्रिप्टो खरीदना और बेचना कैसे है ये मैंने नहीं बताया, वो हम यहाँ पे लाइव कर लेते हैं क्योंकि टेक्निकली है तो कर लेते हैं। ये केवल सन क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप वजीरएक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, जेपे हो गया, तमाम क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं, मौजूद हैं। आप किसी भी, जो भी आपको सुटेबल लगता हो, आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें अपनी केवाईसी करिए और वहां से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
तो जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस एक्सचेंज के एप्लीकेशन में आपको पैसे जमा करने हैं, क्योंकि जब तक आपके वैलेट में पैसे नहीं होंगे आप कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। बिल्कुल नेचुरली जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपकी जेब में अगर पैसे नहीं है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, पता है कि आपको वो जो चश्मा दिखाई दे रहा है ना, वो चश्मे वाली दुकान पे वो काला सा चश्मा वो दिख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि अगर आप लगा लें तो आप भी अक्षय कुमार और सलमान खान लगेंगे, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है ना भाई। वो मारुति की गाड़ी जो जा रही है ना, है तो बड़ी जबरदस्त, बोलेनो की बात कर लीजिए या फिर आप इस समय अर्टिगा बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही है तो अच्छी, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है ना भाई साहब, तो आप जिंदगी भर केवल उसे अच्छी देख करके बस संतोष कर सकते, बिलीव यही कर सकते। लेकिन जब पैसे होंगे तो खरीद सकते हैं, और पैसे होने के लिए ना आपको ट्रॉन थंडर जैसे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदनी पड़ेगी। अब जब क्रिप्टो खरीदनी है तो सबसे पहले एक्सचेंज का अकाउंट केवाईसी कर लेंगे, और यहाँ पे आप देखिए INR डिपॉजिट हर जगह होता है, जैसे आप अगर सन क्रिप्टो में जाएंगे तो वो आपको सामने ही INR डिपॉजिट का ऑप्शन दे देता है। अगली स्क्रीन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन ये बता रही है कि यहाँ पे सन क्रिप्टो का अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कीजिए और अपने गूगल पे में या फोन पे में इसको ले जाइए, और जैसे आप जा करके वहां पे गूगल पे फोन पे है, अच्छा ठीक है फोन पे है, सपोज करिए बहुत से लोग फोन पे भी चलाते हैं, इसी बहाने फोन पे का भी प्रमोशन हो जा रहा है। ओके, तो वहां पे जाके आप ये सेकंड ट्रांसफर मनी वाले जो रो है उसमें सेकंड नंबर का बटन है टू बैंक UPI ID, इसमें क्लिक करेंगे। ये मैं गूगल फोन पे के थ्रू बता रहा हूँ, ऐसे ही आप गूगल पे भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन याद रहे कि जो अकाउंट आपने एक्सचेंज में ऐड किया है उसी अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे, चाहे वो फोन पे में कनेक्टेड हो या गूगल पे में कनेक्टेड हो। अब यहाँ ये प्लस की बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस बैंक का अकाउंट है, तो सबसे पहले आप बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक यहाँ पे ये यस बैंक का है संभवतः, तो हम यस बैंक लिखेंगे और ये आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। अब ये अकाउंट नंबर पूछेगा, फिर से दोबारा से अकाउंट नंबर कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, दोबारा से टाइप करेंगे, और ये डिटेल कहाँ पे मिलेगा, ये डिटेल आपको मिलेगा एक्सचेंज का यहाँ पे इस स्क्रीन पर। अब जब ये ऐड हो जाए तो ऐड होने के बाद आप इसको वापस जाएंगे और डिसेंट्रो, ठीक है चलिए मैंने मान लीजिए किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाकर के पैसे फिलअप कर देंगे, ठीक है 10,000 5,000 जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ से पे कर देंगे। पे करने का सिस्टम आप जान ही गए, UPI पिन डालेंगे, यहाँ से ये पैसा वहां चला जाएगा। अब जब आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगी कि ट्रांसफर डिटेल में आप देखेंगे। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये आपसे UTR नंबर मांगेगा, रेफरेंस ID, UTR नंबर, इस बॉक्स में आपको आपने जो ट्रांसफर किया है उसका UTR नंबर देना होगा। ओके, तो यहाँ से आप अपना UTR नंबर कॉपी कर लेंगे, ये आप देखिए यहाँ पे है, ये कोटक का सिंबल है, अमाउंट 12,000 है, इसके नीचे ये कॉपी की बटन है, इसको क्लिक कर देंगे। अब ये कॉपी हो गया, इसको वापस जाएंगे और यहाँ इस एक्सचेंज वाले अकाउंट में इसको पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा ये पूछ रहा कि आपने कितने रुपए जमा किए, हालांकि ये करना नहीं पड़ता है, एक दो मिनट के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप पैसे जमा कर देंगे, सपोज करिए मैंने 10,000-12,000 का है वो, तो 12,000 कर देंगे और सबमिट रेफरेंस ID कर देंगे। विद इन दो मिनट से लेके 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपके यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब जब ये अपडेट हो गया तो आप फिर बैक आ जाएंगे होम पेज पर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। ओके, तो आपको खरीदना है सपोज करिए बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे, 8-10-12 तो यहाँ पे है, आपको खरीदना है ट्रॉन। अभी ट्रॉन की कीमत कितनी चल रही है, 6.25 रुपए चल रही है। ओके, अब आप ट्रॉन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन कुछ ऐसे चेंज हो जाती है, आप बाई करना चाहते हैं तो बाई बटन पे क्लिक करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे और कितने रुपए का खरीदना चाहते हैं। अब सपोज करिए आपको 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करना है, ट्रॉन थंडर में ज्वाइन होने के लिए 1200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करना होता है, तो 1200 ट्रॉन प्लस 5 ट्रॉन
ट्रांजेक्शन फीस एक्सचेंज वाले ले लेते हैं, वजीरेक्स में भी 5 ट्रॉन लग जाता है और सन क्रिप्टो में भी 5 लगता है। हाँ, जेब पे में जाएंगे तो वो आपको 10 ट्रॉन ले लेगा, वहां पे ज्यादा लग जाता है। ओके, तो ये 1205 आपको खरीदना होगा। अब 1205 ट्रॉन के लिए आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, इसके लिए आप सिंपली जो यहाँ पे रेट दिख रहा है, एक ट्रॉन की जो वैल्यू दिख रही है, उसको 1205 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद वो पैसा जमा करेंगे, बल्कि 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ही जमा करेंगे। अब बाई करने के ऊपर जाएंगे और सपोज करिए ये मुझे 7500 यहाँ पे डालने हैं, ये 1201 ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे 7600 रुपए डालने होंगे। 7600 रुपए मैंने जमा किए क्योंकि 10 रुपए या 7 रुपए डिपॉजिट करने पर भी कट जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 7600 रुपए में 1217 ट्रॉन परचेज हो रहा है। अब हम यहाँ से परचेज कर लेंगे, पे कर देंगे, यहाँ से अपना पे कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें बैलेंस सफिशियंट नहीं है इसलिए बाई नहीं होगा, बट जैसे ही पे करेंगे वो आपका एम पिन मांगेगा, 4 अंक का होता है, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से होता है, बस सन क्रिप्टो में 4 अंक का आपको एम पिन मांगता है, जैसे आप एटीएम पिन यूज करते हैं। ये बाई हो जाएगा, बाई हो करके ये आपके प्रोफाइल पोर्टफोलियो में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो है, इसमें आप देखेंगे पड़े हुए हैं थोड़े बहुत अमाउंट, तो ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहीं पर आपको ट्रॉन दिखाई देगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये सोलाना दिख रहा है, तो सोलाना का भी विड्रॉल यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो ये चेक कर लेंगे कि विड्रॉल का भी ऑप्शन जो एक्सचेंज दे रहा हो उसके ऊपर ही आप ये सारा काम करेंगे। ओके, तो विड्रॉल के लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे और विड्रॉल करने के बाद एड्रेस डालेंगे, और एड्रेस डालने के लिए आप सीधे जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उस एड्रेस ही को कॉपी करके आप सीधे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं जिस भी एक्सचेंज पे आपने बाई किया हुआ है, और वहीं से आपका विद इन 5 मिनट जो ट्रांजेक्शन है कम्प्लीट हो जाएगा और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरीके से आप ट्रॉन बाई कर सकते हैं और आप अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसी का रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाएंगे, अगर आपको ट्रॉन की इनकम हुई है और उसको INR में बदलना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, डिपॉजिट ट्रॉन सर्च करेंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो एड्रेस है इसे कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि कुछ एक्सचेंज, क्योंकि आपका जो ट्रॉन का लेन देन है वो TRC20 पर होता है, और कुछ एक्सचेंज TRC20 को सपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सचेंज ERC20 को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें Binance हो गया, सन क्रिप्टो हुआ, ये आपका TRX पे TRC20 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से एड्रेस लिया और जहां पर भी आपने ट्रॉन रखा हुआ है, सपोज करिए आपने ट्रॉन रखा हुआ है ट्रॉन लिंक या टोकन पॉकेट, कहीं भी आप ये ट्रस्ट वैलेट मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें सपोज करिए कि ट्रॉन का एड्रेस ये ट्रॉन का एड्रेस है, सपोज करिए अब आपने यहाँ पे आपका ट्रॉन रखा हुआ है जो ट्रॉन थंडर से आपने अर्न किया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ट्रांसफर बटन पे क्लिक करेंगे, अगेन ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिसीवर के बॉक्स में आप अपने एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और जितना अमाउंट है सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद कन्फर्म करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर ये अमाउंट वापस आपके एक्सचेंज में चला जाएगा, यानी आपका जो एक्सचेंज वाला अकाउंट होगा वहां पे चला जाएगा। अब जब वहां पे चला गया, वहां जाने के बाद फिर से आप ट्रॉन को क्लिक करिए, सीधे सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको ट्रॉन को सेल करके रुपए आपको अपने अकाउंट में लेने हैं, आप यहाँ पे सेल बटन पे क्लिक कर देंगे और जितने ट्रॉन है सभी सेल करने हैं, 100% पे क्लिक कर दीजिए, जितना अवेलेबल ट्रॉन होगा सब सेल होने के लिए रेडी हो जाएगा, और अपना यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, एम पिन डालिए और आपका ट्रॉन सेल हो गया। सेल होने के बाद यहीं पे पोर्टफोलियो में ही आपका पैसा शो करने लगेगा, यहाँ पे ऊपर देखिए INR का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ विड्रॉल की बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही विड्रॉल की बटन पे क्लिक करेंगे स्क्रीन कुछ इस तरीके की आएगी और यहाँ पे आपका अकाउंट दिखा रहा होगा, अकाउंट शो करेगा, अपना अमाउंट डालिए, सबमिट कर दीजिए, सिंपल। तो इस तरीके से आप अपना KYC कर लें, ट्रॉन बाई कर सकते हैं, ट्रॉन सेल भी कर सकते हैं, ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकते हैं INR, और INR को डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया है
बट बहुत सी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और फिर भी अगर नहीं हुई है, एक बार में तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो आप YouTube पे जाइए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है कि किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप मेरे YouTube पे जाना चाहते हैं तो बिना स्पेस दिए रॉकेट इंडिया सर्च कीजिए, आपको वहां पे बड़ी आसानी से मेरी ही भाषा, मेरी ही शब्द आवाज में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख करके सीख सकते हैं। सो आज के लिए टेक्निकल पॉइंट मैं समझता हूँ इतना सफिशियंट है, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी साथी का कोई टेक्निकल, तो उसे लेने के लिए मैं रेडी हूँ, या और भी साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आगे का कुछ अगर बाकी हो तो बताएं।